हे गाइस, मैं फॉर्म ब्लड और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हम लोग कैसे फर्स्ट पर्सन कैरेक्टर कंट्रोल वो भी यूनिटी में बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा न्यू इनपुट सिस्टम जो यूनिटी का है, बट अगर तुम लोग ओल्ड इनपुट सिस्टम भी यूज़ करो तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है मेरा बेसिक यूनिटी प्रोजेक्ट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमको एक दो पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। पहला है न्यू इनपुट सिस्टम और दूसरा है सिन मशीन। सो दोनों को इंस्टॉल करने के लिए मैं जाऊँगा विंडोज़ पे और पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर में यहाँ पर न्यू इनपुट सिस्टम को यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद यूनिटी आपको प्रॉम्प्ट करेगा एडिटर स्टार्ट करने के लिए, ये इनपुट सिस्टम को जो करंट हैंडलिंग इनपुट सिस्टम की उसको चेंज करने के लिए ओल्ड से न्यू के लिए। अगर आपको मेक श्योर करना है कि मेरा हाँ इनपुट सिस्टम चेंज हो चुका है, तो उसके लिए एडिट पर जाना है, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना है, प्लेयर पे, प्लेयर से आपके अदर सेटिंग्स पे, और थोड़ा स्क्रॉल करो नीचे साइड लगभग से यहाँ पास, तो एक्टिव इनपुट हैंडलिंग पे यहाँ पर इनपुट सिस्टम पैकेज न्यू आ गया होगा। तो मेक श्योर आप इसको यूज़ कर रहे हो, पर अगर आप ओल्ड भी यूज़ कर रहे हो तो काइंड ऑफ कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, आप ओल्ड के साथ भी जा ही सकते हो। एंड देन उसके बाद सिन मशीन का मुझे चाहिए होगा, तो सिन मशीन को इंस्टॉल कर लेना है। सिन मशीन मेनली कैमरा के लिए, अब रीज़न सिन मशीन को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इससे मुझे अच्छा कैमरा कंट्रोल मिल सकता है। लाइक मुझे फ्यूचर मुझे कैमरा सेक डालना हो अपने प्लेयर में तो मुझे ज़्यादा वर्क अराउंड नहीं करना पड़ेगा। एक सिंपली मैं यूसिन मशीन का नॉइस प्रोफाइल उसको इस्तेमाल कर मैं कैमरा सेक डाल सकता हूँ बिना कोई कोड डाले भी। तो दैट्स वाई मैं सीन मशीन को प्रेफर कर रहा हूँ, नॉर्मल मेन कैमरा है वो भी चल जाएगा। सो इन दोनों को इंस्टॉल होने के बाद अब हम स्टार्ट कर सकते हैं कुछ इनपुट्स को सेटअप करना। ओके, एक्चुअल प्लेयर को सेटअप करने से पहले मैं कुछ इनपुट्स को सेटअप कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं अपने स्क्रिप्ट फोल्डर में एक राइट क्लिक कर नया फोल्डर बना लेता हूँ, क्रिएट फोल्डर। इसमें मैं अपने इनपुट्स को स्टोर करूँगा, तो लेट्स नेम इट इनपुट्स, और इसके अंदर एक प्लेयर एक्शन मैप बनाता हूँ। तो राइट क्लिक क्रिएट और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ इनपुट एक्शंस, तो इसका कुछ नाम दे देता हूँ प्लेयर एक्शन मैप, और इसको खोल लेता हूँ और यहाँ पास कहीं डॉक कर लेता हूँ। तो अब एक एक्शन मैप फर्स्ट बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके प्लेयर, तुम कोई भी नाम दे सकते हो जो चाहे। तो हमें कुछ एक्शंस को बनाते हैं, तो यहाँ पास पहला एक्शन होगा हमारा मूव, और मैं यहाँ पर उसको एक्शन टाइप को बटन से वैल्यू कर देता हूँ और कंट्रोल टाइम उसको ऐसा वैक्टर 2 कर देता हूँ। ऐसा इनपुट्स मुझे एक वेक्टर में चाहिए होगा, जैसे मैं डब्ल्यू दबाऊँ तो मुझे 1 और एस दबाऊँ तो -1, ऐसा कुछ टाइप का मुझे मिले। और यहाँ पर से प्लस की क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं अपने बाइंडिंग्स को अपसेट करूँगा, तो ऐड बाइंडिंग्स और यहाँ पर ऐड अप डाउन लेफ्ट राइट कंपोजिट कर दूँगा। तो इसको 2D वेक्टर ऐसे चीज छोड़ देता हूँ और यहाँ पर नो बाइंडिंग को रिमूव कर देता हूँ। ओके, अप डाउन लेफ्ट राइट को सेटअप करना है मेरे को, तो अब के लिए मैं यहाँ पास हाँ मैं डब्ल्यू जाऊँगा, डब्ल्यू ऑन कीबोर्ड, डाउन के लिए मैं एस ऑन द कीबोर्ड, लेफ्ट के लिए ए ऑन द कीबोर्ड एंड राइट के लिए डी ऑन द कीबोर्ड। हो गया, अब मेरा मूव सेटअप हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ है मेरे को अपने लुक के लिए भी एक बाइंडिंग सेटअप करनी है, तो सेम जैसे मैंने मूव के लिए किया था वैसे मैं इसकी बाइंडिंग सेट करूँगा, एक्शन टाइम वैल्यू कंट्रोल टाइम वेक्टर 2, और यहाँ पर बाइंडिंग में मुझे इसको अब 2D वेक्टर को एज अ अप डाउन अलग अलग कंपोजिट्स को लेने की जगह मैं एज अ सिंगल डेल्टा पोजिशन ले लूँगा माउस की, मैं डेल्टा माउस ले लूँगा। ओके, दैट्स ऑल सिस्टम। अगर तुम ध्यान से देखो तुम्हें कुछ ओल्ड इनपुट सिस्टम से सिमिलैरिटीज दिख रही होंगी, अब दिखने शुरू हो गएंगी। तुमने यहाँ पर माउस डेल्टा लिया है जो इक्विवेलेंट है इनपुट डॉट गेट एक्सेस और ब्रैकेट में माउस वाई या माउस एक्स जो पास करते तो उसके ही इक्विवेलेंट है डेल्टा, पर सही डिफरेंस से ये मुझे चारों एक्स एंड वाई दोनों का डेल्टा देगा। उसमें तुम्हें अलग अलग करके लेना पड़ता था। अब मुझे यहाँ पास जंप के लिए भी कुछ इनपुट्स लेता हूँ, तो जंप और इसकी बाइंडिंग में बटन ही रखूँगा, ऐसा जंप मुझे बटन ही चाहिए। और यहाँ पास बाइंडिंग जो साइन कराऊँगा उसको स्पेस बार कर देता हूँ, स्पेस। ओके, दैट्स इट। और सेम गोज़ फॉर द स्प्रिंट, अगर स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ तो इसकी भी बटन टाइप कर दूंगा मैं, हाँ बटन टाइप कर दूंगा। और यहाँ पर जो बाइंडिंग होगी उसकी शिफ्ट होगी मेनली लेफ्ट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट सर्च इट। ओके, लेफ्ट शिफ्ट, आई गॉट इट। सो इस तरह मैंने बेसिक चारों चीज़ की बाइंडिंग्स को अब सेटअप कर दिया है। यहाँ पर मुझे उसको सेव एसेट्स, ओके सेव कर दिया, तो इस तरह मेरे इनपुट्स भी सेव हो चुके हैं। अब मुझे किसी तरह इस इनपुट्स को रीड करना है। सो अब मेन चीज़ है इस इनपुट्स को मैं रीड कैसे करूँ। अब न्यू इनपुट सिस्टम में लाइक हज़ार तरीके हैं इस इनपुट्स को रीड करने के, तो
पर जो तरीके से मैं जाऊंगा वो काइंड लाइक बहुत रिसेंबल करता है ओलंपस सिस्टम को। उसमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को एक सीसाप क्लास को जनरेट करेंगे और फिर उस सीसाप क्लास से हम लोग इनपुट्स को रीड करेंगे। तो सिंटैक्स वाइज ही थोड़ा बहुत ओलंपस सिस्टम से मिलता जुलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने प्लेन एक्शन को सिलेक्ट कर लूँगा, जो मेरा एक्शन मैप था उसमें जाऊँगा जनरेट सीसाप क्लास। और यहाँ पास मुझे अब उसकी पास हिसाब जो क्लास जनरेट करेगा यूनिटी उसका पैथ बताना है, उसका क्या नाम होगा और अगर कोई नेम स्पेस देना है तो वो तुम दे सकते हो। मैं अभी के लिए ये सारी सेटिंग्स को बाइट एज अ डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ और अप्लाई पे कर देता हूँ। तो ये थोड़ी देर में एक सीसाप क्लास जनरेट कर लेगा। ओके, एक जनरेट कर दिया प्लेयर एक्शन मैप नाम की एक स्क्रिप्ट जनरेट कर दी मेरी, और इसमें यूनिटी साफ साफ कहा है कि कोड ऑटो जनरेटेड है और इसके साथ छेड़छाड़ ना ही करो तो सबसे बेटर है तुम्हारे लिए। अब नेक्स्ट चीज़ हमको एक कॉल स्क्रिप्ट बनानी होगी। मैं करूँगा राइट क्लिक करके क्रिएट सी शार्प और उसका नाम रख दूंगा इनपुट मैनेजर। तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबल होगी इस प्लेयर एक्शन मैप की स्क्रिप्ट जो बनी है उससे इनपुट्स को रीड करने के लिए। इसको मैं अपने विजुअल स्टूडियो में खोल लेता हूँ। तो फर्स्ट टास्क हमारा ये है पहले इनपुट्स को रीड करने के लिए, हम इस प्लेयर एक्शन मैप से जो हमने जनरेट की सी शार्प उससे पहले हमें एक रेफरेंस लेनी होगी। प्राइवेट प्लेयर एक्शन मैप और उसका नाम प्लेयर एक्शन मैप दे दी। ओके, अब इसके बाद मैं कुछ चार मैथड बनाऊंगा इसके इनिशियलाइजेशन और डीइनिशियलाइजेशन के लिए इस प्लेयर एक्शन मैप के लिए। वाइड अवेक अवेक जब मेरा इनपुट्स जब मार जो स्क्रिप्ट होगी इनिशियलाइज होगी उसके लिए, वाइड ऑन एनेबल जब ये स्क्रिप्ट इनेबल होगी, और उसके बाद वाइड ऑन डिसेबल जब ये स्क्रिप्ट डिसेबल हो जाएगी, उसके बाद वाइड ऑन डिस्ट्रॉय जब ये स्क्रिप्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अभी ऑन एनेबल अवेक डिस्ट्रॉय सब अगर छाना है तो यूनिटी के जो गेम ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल होगा उसको तुम चेक कर सकते हो, ये एक्चुअली मैटर कब कॉल होते हैं यूनिटी में। पर टेक्निकली जो अवेक है ये सबसे पहला कॉल होता है किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के लिए। उसके बाद ऑन इनेबल होता है जब गेम ऑब्जेक्ट इनेबल होता है, और डिसेबल जब भी गेम ऑब्जेक्ट डिसेबल हो जाएगा, और डिस्ट्रॉय जब गेम ऑब्जेक्ट हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है तब ये कॉल्स होते हैं। तो मैं इसलिए इसको इंस्टॉलाइजेशन के लिए यूज़ करता हूँ। अवेक जब फर्स्ट टाइम हमारा ऑब्जेक्ट इंस्टॉलाइज हो रहा है तो उसी मोमेंट हमको अपने प्लेयर एक्शन मैप को भी इंस्टॉलाइज करना है। प्लेयर एक्शन मैप, और यहाँ पर उसको गेट करने का थोड़ा सा अलग तरीका होगा। तुम्हें जनरली पता है कि जो तुम नॉर्मल जो कंपोनेंट को गेट करते हो गेट कंपोनेंट यूज़ करते हो, पर इसमें क्या है तुम्हें अगर तुम इस क्लास को ध्यान देखो ये एक पासियर क्लास है, ऊपर से कोई मोनो बिहेवियर भी नहीं है। तो इसका जो गेट करो तुम गेट करने के लिए तुम्हें नॉर्मल जो हिसाब में तुम क्लासेस को इनहेरिट करते हो वैसे कुछ तरीका है। तो प्लेयर एक्शन मैप को इज़ इक्वल टू न्यू प्लेयर एक्शन मैप। अगर तुम हिसाब कुछ हिसाब का नया वर्जन यूज़ कर रहे हो यूनिटी में तो तुम सिर्फ अगर न्यू भी लिख दो तो काम बन जाएगा। नेक्स्ट थिंग, इस प्लेयर एक्शन मैप को लेने के बाद तुम इसको इनेबल भी करना है। तो प्लेयर एक्शन मैप डॉट इनेबल, तो इससे मेरा जो एक्शन मैप है वो इनेबल हो जाएगा। अब ऑन इनेबल में हमें ध्यान देना है कि जो इसके अंदर हमने एक प्लेयर नाम का जो एक्शन बनाया था उसको इनेबल कर दूं मैं। प्लेयर डॉट इनेबल नॉट ओके इनेबल, ठीक है। अब इसको नहीं करोगे तो तुम इनपुट्स को रीड नहीं कर पाओगे, बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल होता है, तो तुम्हें इस बात का याद रखना है। ऑन डिसेबल जब मेरा जो गेम ऑब्जेक्ट डिसेबल हो जाए तो मुझे फालतू में इनपुट्स को रीड नहीं करना है। तो सिंपली प्लेयर डॉट डिसेबल ये तब हो सकता है, और देखो तो जो ही नहीं तो उसको ऑन इनेबल या ऑन डिसेबल भी कॉल करो तो उसको तब भी कॉल कर सकते हो। लाइक मैंने गेम को पॉज कर दिया, लाइक गेम ओवर स्क्रीन आ गई, तो इस सब मैटर को तब कॉल कर सकते हो। अभी मैं बस एज्यूम कर रहा हूँ कि ऑन इनेबल ऑन डिसेबल ऐसे एज्यूम करके लगा रहा हूँ। अब डिस्ट्रॉय का क्या करूँगा मैं, अब फालतू में कोई इनपुट्स कभी मुझे अब एक्शन मैप की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे इनपुट मेरे ही ख़त्म हो चुका है, जो मेरा इनपुट्स को रीड कर रहा है वही नहीं है, तो अब एक्शन मैप का पूरा क्या जरूरत है। तो डिसेबल कर दो यहाँ पर, नॉट डिस्पोज बट डिसेबल। ओके, ये सब होने के बाद अब हमको इनपुट्स को एक्चुअली अब रीड करना है। उसके से पहले हमको कुछ वेरिएबल्स बनाने हैं जिसमें हम अपने इनपुट्स को स्टोर कर पाऊँ मैं। तो मैं यहाँ पास फील्ड बनाऊँगा, एक तो फील्ड सीरियलाइज फील्ड जो कॉम्प्लेक्स लगी लाइन देखने में, पर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बताता हूँ यार मैं क्या लिख रहा हूँ। पब्लिक वेक्टर टू, और वेक्टर टू यहाँ पर मैं नाम दे दूँगा अपने इनपुट्स का। तो लेट्स अस्यूम मैं इसको मूव इनपुट दे देता हूँ, मूव इनपुट, और यहाँ पास मैं गेट एंड सेट प्रॉपर्टीज डाल देता हूँ। तो टेक्निकली मैं यहाँ पास ओवरऑल मैं क्या किया है, मैंने जो इसका गेट है वो पब्लिक रखा है, जो पास उसका सेटर है उसको प्राइवेट कर दिया है। इससे ओवरऑल क्या हुआ, ये जो मूव इनपुट है दूसरे स्क्रिप्ट के लिए एक रीड ओनली हो गई, पर इस स्क्रिप्ट के लिए एक ओपन टू है मॉडिफाई करने के लिए। तो इसका ये मतलब है इससे मूव इनपुट को मैं इस स्क्रिप्ट में ही मॉडिफाई कर सकता हूँ, बाहर मॉडिफाई नहीं कर सकता हूँ। तो काइंड लाइक ग्रेड है एक इनपुट्स के लिए, मैं नहीं चाहता मेरा इनपुट्स कोई दूसरी स्क्रिप्ट आके मॉडिफाई करे, मेरा इनपुट्स एक कीबोर्ड से ही या किसी इनपुट कंट्रोलर से ही मॉडिफाई हो चाहिए। तो
दैट्स वॉट आई वॉन्ट, ठीक है। और टेक्निक जो गेट एंड सेट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है यूनिट, उसको बाय डिफॉल्ट सीरियलाइज़ नहीं करता, जिसनों में स्पेक्ट्रम ही नहीं देखेंगे। तो मुझे स्टार्टिंग में ही फील और सीरियलाइज़ फील डालना पड़ेगा, वो भी कुछ इस तरह करके, जिससे ये यूनिट्स को सीरियलाइज़ कर लो और स्पेक्ट्रम में इसको वैल्यू दे पाओ। अब सीरियलाइज़ करना ही तुम्हारे ऊपर, तुम्हें करना है कि नहीं करना। मैं तो अपने डिबगिंग के पर्पज़ के लिए इसको कर ले रहा हूँ। उसके बाद सेम फॉर लाइक अदर इनपुट्स, तुम्हें यही करना है। तो फील्ड सीरियलाइज़ फील्ड, और यहाँ पर पब्लिक वेक्टर 2, और यहाँ पर लुक इनपुट का मैं स्टोर करूँगा और गेट एंड सेट प्रॉपर्टी डाल दूंगा। सेम फॉर मैं जो मेरी जंप की होगी वो भी सीरियलाइज़ फील्ड पब्लिक, पर जंप के लिए मैं बूलियन का इस्तेमाल करूँगा। मैंने मुझे जानना है कि मैंने बटन प्रेस की है कि नहीं की है, ऐसा कुछ है मेरा केस। तो इस जंप प्रेस्ड प्रेस्ड ओके, और यहाँ पर फिर गेट एंड सेट डाल दिया। और सेम फॉर द स्प्रिंटिंग बोन, स्प्रिंट के लिए मैं यही करूँगा पब्लिक बोन। और मैं चाहता हूँ जो मैं स्प्रिंट का जो होगा, मैं चाहता हूँ जब तक जितनी देर मैं होल्ड करूँ उतनी देर ही मेरा प्लेयर स्प्रिंट करें। डिपेंडिंग ऑन तुम कैसा गेम बना, तुम चाहते हो टैप वाइज हो तो उसको कर सकते हो उस तरह भी, पर अभी फिलहाल के लिए मैं तो होल्डिंग पे जा रहा हूँ। तो इस स्प्रिंट होल्ड एंड गेट एंड सेट डाल दिया मैंने, या होल्ड इट कर देता हूँ, बेटर लगेगा और ना। ओके नाउ मैंने वैल्यूज बना, यहाँ पे मैं इनपुट्स को सेव करूँगा। अब स्टार्ट करते हैं एक्चुअल रीडिंग से। तो मैं क्या करूँगा, वाइड और सॉरी अपडेट पे जाऊँगा, मैं नॉर्मल अपडेट फंक्शन बनाऊँगा। मैं कंटिन्यूसली इनपुट्स को रीड करता रहूँगा हर फ्रेम में। तुम इवेंट वाइज अप्रोच भी ले सकते हो इवेंट्स के थ्रू, कि बटन दबाए तो एक इवेंट कॉल हो, उस इवेंट में तुम अपने मूव को इनपुट्स को साइन करो। पर फॉर द सिंपलिसिटी सेक मैं यहाँ पर अपडेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो इफ, तो मुझे पहली बार अपडेट में इनपुट फीड करने से पहले ये भी चेक करना है कि मेरे क्या प्लेयर एक्शन मैप एनेबल भी है। तो यहाँ पर एक तो एक्सप्लेनेशन मार्क डाल दूंगा, प्लेयर एक्शन मैप डॉट प्लेयर डॉट एनेबल, क्योंकि फालतू मुझे इनपुट्स को रीड नहीं करना। अगर वो डिसेबल है मेरे इनपुट्स तो मुझे नहीं रीड करना उनको फालतू में। मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। जो इसका ये मतलब है, जस्ट अगर इनपुट्स डिसेबल हैं तो इस फंक्शन को यहीं से एग्जिट कर दो, आगे के कुछ मत पढ़ो। पर अगर मेरा इनपुट एक्शन मैप जो है वो एनेबल है, तो यहाँ इसके बाद का फंक्शन रिटर्न नहीं होगा, सीधा उसके बाद जो नीचे लाइन्स होंगी उसको कॉल करेगा। तो अब मैं यहाँ पर रीड का शुरू करता हूँ। तो मूव इनपुट्स इज इक्वल टू हम लोग प्लेयर एक्शन मैप डॉट प्लेयर, अब प्लेयर करने मैंने एक मूव बनाया था तुम्हें याद हो तो मूव, और देन इसके अंदर हम रीड करने के मैं यूज़ करूँगा रीड वैल्यू। और सिंस मैं इसके जो वैल्यू टाइप था वो वेक्टर 2 सेट किया था, तो वेक्टर 2। सेम गोज फॉर लुक इनपुट्स इज इक्वल टू प्लेयर एक्शन मैप डॉट प्लेयर डॉट लुक डॉट रीड वैल्यू, और इसके अंदर वेक्टर 2। अगर तुम ध्यान से नोटिस करो, ये काइंड ऑफ बहुत ओल्ड इनपुट सिस्टम को रिसेम्बल कर रहा है। जैसे ओल्ड इनपुट सिस्टम में तुम्हारा गेट एक्सेस था, यहाँ पर तुम बस एक तरह से रीड वैल्यूज़ कर रहे हो। अब सेम फॉर मैं अपने इस जम्प प्रेस के लिए भी यूज करूँगा। तो इस जम्प प्रेस और प्लेयर एक्शन मैप डॉट प्लेयर डॉट जम्प, अब मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जो काइंड लाइक इनपुट डॉट गेट बटन डाउन जैसा हो। और वेल टेक्निकली न्यू इनपुट सिस्टम में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई थिंक नाम ही कॉम्प्लिकेटेड है इसमें डाल दिए इन लोगों ने। तो यहाँ पर है वॉस परफॉर्म दिस फ्रॉम वॉस प्रेस दिस फ्रेम और वॉस रिलीज दिस फ्रेम। नाउ वॉस प्रेस दिस फ्रेम टेक्निकली वो नहीं है जो हम लोग सोच रहे, होल्डिंग का नहीं है ऐसा कुछ ज़्यादा, दोनों ही डायरेक्ट का टैप हैं। पर मैं वॉस परफॉर्म दिस फ्रेम को चूज़ करूँगा, और उसके बाद मुझे होल्डिंग का लेना है यहाँ पास। जब तो मैंने बटन को होल्ड किया, तब तो तक ये जब तो मैं होल्ड किया, जो स्प्रिंट होल्डेड है वो ट्रू रहे, और जैसे ही मैंने बटन को रिलीज़ कर दिया है वैसे ही वो फॉल्स हो जाए। तो उसके लिए मुझे एक कंडीशन और बनानी पड़ेगी। इफ़ प्लेयर एक्शन मैप डॉट प्लेयर डॉट स्प्रिंट, स्प्रिंट को ले लिया डॉट वॉस प्रेस दिस फ्रेम, अब मैं इसको यूज़ करूँगा, ये एक मैथड है, ठीक है। और यहाँ पे एक और कंडीशन डाल दूँगा साथ में, प्लेयर एक्शन मैप डॉट प्लेयर डॉट स्प्रिंट। अब टेक्निक तुम यहाँ पर लंबी लंबी लाइन ऐसे लिखनी पड़ेगी, तुम उसको शॉर्ट इन भी कर सकते हो बाय एक्सट्रैक्टिंग द प्लेयर एक्शन मैप डॉट प्लेयर एज अ सेपरेट वेरिएबल, पर बिल्कुल छोड़ दो इतना। तो इस प्रेस्ड, और यहाँ ये भी एक मैथड है, और जब ये हो तो स्प्रिंट होल्ड को ट्रू कर दो, और एल्स इफ प्लेयर एक्शन मैप डॉट प्लेयर डॉट स्प्रिंट डॉट वॉस रिलीज दिस फ्रेम, जब मैंने अपना शिफ्ट को लेफ्ट शिफ्ट को मैंने रिलीज़ कर दिया है तब क्या करना है। तो तब इस स्प्रिंट होल्ड ओके स्प्रिंट होल्ड इज इक्वल टू फॉल्स ओके। सो
दैट्स इट, इतना. सो मैं जब मैं होल्ड करूँगा तो ये ट्रू हो जाएगा स्प्रिंट होल्डेड, और जब मैं रिलीज़ कर दूँ ये फॉल्स होगा. अगर मैं तुम्हें इस वॉच प्रेस दिस फ्रेम को होल्ड करूँ, तुम्हें यहाँ देख तुम्हें एक तो एक डॉक्यूमेंटेशन पूरी मिल गई है, एग्जाम्पल कोड सार टेक्निक मैंने क्या किया है, यहाँ साफ साफ उसके बारे में मेंशन है. तो ये पूरा एक पैराग्राफ है, तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ो. पर जो अप्रोच मैंने ली है वो बहुत ज़्यादा या इसी तक सेम ऐसी ही है, एकदम सिमिलर प्रोसेस की तरह. सब छोड़ो, पर मेन चीज़ हमने अपने इनपुट्स को रीड करना शुरू रीड कर रहे हैं. तो मैं क्या करूँगा, अब अपने यूनिटी एडिटर में वापस जाता हूँ, कंपाइल होने दूँ, कंपाइल हो रहा है कि नहीं. ओके लेट्स चेक इट. मैं सेव कर दिया कोड को बैक टू यूनिटी एडिटर. मैं एक क्रिएट एम्प्टी ऑब्जेक्ट जस्ट अभी के लिए कोई भी रैंडम एक इनपुट में बना देता हूँ. अब इस यहाँ पर मुझे बस इस इनपुट मेजर को यहाँ पर डालना है. सारी वेरिएबल्स फील्ड मुझे दिख रही हैं, मैं प्ले करता हूँ, होपफुली कोई एरर ना आए, कोई दिक्कत ना हो. और अगर मैं डब्ल्यू दबाऊँ तो तुम देख सकते हो, ऐसे डब्ल्यू दबाता तो वन आ रहा है, ऐसे दबाओ तो -1 आ रहा है, मूव इनपुट्स. ओके ए दबाओ तो -1 थी. और देखो गुड थिंग ये है कि प्लेयर एक्शन मैप में ये ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज कर देता है. तो मैं ओके, तो अगर मैं दो की एक साथ दबाता लाइक डब्ल्यू एंड डी. ओके ओके इसको मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे रहा हूँ. हाँ ओके कहा जा रहा है, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इनपुट सेट की. अगर मैं दो की एक बार में दबाता हूँ डब्ल्यू एंड डी, ये ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज करके इसको 0.7 अप्रॉक्स कर दिया है नॉर्मलाइज करके. ये एक अच्छी बात है इनपुट सिस्टम पर. अगर तुम चाहते हो मैं इनपुट नॉर्मलाइज ना हो, तुम सिंपली टू डी वेक्टर को सिलेक्ट करके यहाँ पर मोड को नॉर्मलाइज हटा के डिजिटल या एनालॉग भी कर सकते हो. इस लाइक मैं डिजिटल कर देता हूँ. तो इस पॉइंट पे सेव करने के बाद और डे जस्ट वेट अ मिनट. ओके नाउ जस्ट अगेन प्ले. मैं डब्ल्यू एन डी दबाऊंगा और उस पर नॉर्मलाइज उसने नहीं किया वेक्टर्स को. बट टेक्निकली बहुत से गेम में हमें नॉर्मलाइज करना पड़ता है वेक्टर को, कि सारे जितने भी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो उसमें सेम मैग्नीट्यूड से ही मूव करे. सो नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी है आपके लिए. हमने इनपुट सेटअप कर दिया है, अब प्लेयर को सेटअप किया जाए. तो मैं अपने हायरार्की में राइट क्लिक करके क्रिएट एम्प्टी गेम आउटपुट बना दूंगा, इसका नाम प्लेयर रख देता हूँ. और इसका जो ट्रांसफॉर्म मैं अभी के लिए रिसेट कर देता हूँ, और उसमें कैरेक्टर कंट्रोलर डाल देता हूँ. अब कैरेक्टर कंट्रोल में तुम्हें बहुत सारे कह लूँ कि बहुत सारे फील्ड्स हैं, पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड जो तुम्हें दिमाग में रहनी चाहिए वो है विथ रेडियस और हाइट. सो इसको तुम एडजस्ट करोगे डिपेंडिंग और अपने प्लेयर्स के हाइट और विथ के हिसाब से. ओके पर अभी के लिए मैं बाय डिफॉल्ट ही छोड़ देता हूँ इसको. अब नेक्स्ट चीज़ है कि मैं इसको थोड़ा देखना थोड़ा हार्ड है क्योंकि सिर्फ ग्रीन लाइन है इसमें यहाँ पास. तो मैं इसके एक तो राइट क्लिक करके इसी अंदर ही एक 3D ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ कैप्सूल, जिससे मैं इसको आसानी से विजुलाइज कर पाऊँ. और इसमें से मैं करता हूँ कि कैप्सूल क्लाउड हटा दूँ मैं, बिकॉज कैरेक्टर कंट्रोलर के साथ तुम्हारा एक क्लाउड अटैच ही ऑलरेडी रहता है, तो उसमें नीचे अंदर डालना कोई मतलब नहीं रखता. सो अब प्लेयर में मैं प्लेयर थोड़ा ज़मीन में इसको पहले ऊपर कर देता हूँ बाय 1 यूनिट. यू आने के बाद अब हमें इसमें जो ऐड करेंगे वो कैमरा. सो जो मेन बेसिक तरीका कैमरा को ऐड करने का, वो तुम लोग क्या करते हो कि मेन कैमरा जाके यहाँ पर डाल दो और उसका ट्रांसफॉर्म रीसेट कर दो तो ये बन गया. पर हमारे इस प्रोजेक्ट में मैंने सीन मशीन इंस्टॉल किया है, तो इसको करने के बजाय मैं सीधा एक सीन मशीन के तरीके से जाता हूँ. उसको करने के लिए मैं अपने प्लेयर में ही राइट क्लिक करके एक एम्प्टी गेम बना दूंगा, इसका नाम होगा कैमरा रूट. ठीक है, तो ये कैमरा रूट क्या करेगा, ये तुम्हारे कैमरा की पोजीशंस को और रोटेशंस को एक तरह से होल्ड करेगा, मैं एक तरह से डमी कैमरा है तरह काम करेगा जो सिर्फ एक पोजीशन होल्ड कर रहा है. और इसको मैं सीधा मूव करा दूंगा सीधा वहाँ तक जहाँ पर मेरा एक्चुअल कैमरा होगा, उसको वहाँ रख देता हूँ. अब यहाँ पर मैं अपने बाहर साइड हारकी में ही सी मशीन पर क्लिक करके एक वर्चुअल कैमरा बना देता हूँ. अब वर्चुअल कैमरा बनाता हूँ मोस्ट सिंपल कैमरा सी मशीन का, तो मैं इसके साथ जाऊँगा. और भी कैमरा है डिपेंडिंग क्या करना है उस हिसाब से, और अभी के वर्चुअल कैमरा इज ओके. सो वर्चुअल कैमरा तुम जो नाम रखना वो रख देना. अब यहाँ पास तुमको देखने मेरे फॉलो एंड लुक एट, तो मैं फॉलो लुक एट दोनों में ही कैमरा रूट डाल देता हूँ. मुझे फॉलो भी करना और उसी को देखना भी है, तो दोनों. ओके अब नेक्स्ट चीज, अब मेरे जो बॉडी है वो ट्रांसपोजर है, और तुम यहाँ देख सकते हो ये थोड़ा बहुत लाइक दूर है मेरे एक्चुअल प्लेयर से. सो मैं क्या करता हूँ, इसका फॉलो ऑप्शन में -0.01 सब कर देता हूँ. ठीक है, 0 मत रखना क्योंकि वार्निंग दे देगा तुमको, तो -0.01 बहुत छोटी वैल्यू रख दो बेटर है.
बॉडी में होने के बाद कंपोजर में जाना एम में, तो यहाँ पास तुम लोग को सेम एज फॉलो टारगेट करना है। अगर कंपोजर रखोगे तो एक तरह से तुम्हारा जो लुक होगा एक तरह से लॉक हो जाएगा एक एक्सेस में। सो बस मेक श्योर करना तुम एम को भी सेम एज फॉलो टारगेट कर दो। अब इतना होने के बाद एक नेक्स्ट चीज़ है कि अगर मैं अपने कैमरा रूट को पकड़ता हूँ, ये थोड़ा सा एक इशू है जो तुम लोग शायद मे भी आप भी आगे तो देखोगे जब तुम्हारा प्ले एक्चुअली मूव करेगा या कुछ इफेक्ट्स डालोगे, तो वो है ये प्रॉब्लम है क्लिपिंग की। तो अगर मैं हल्का सा कैमरा रूट को पीछे जाता हूँ, अगर मैं कैमरा रूट को पीछे जाता हूँ, मैं कैम सीन मशीन में मूव कर रहा है क्योंकि फॉलो उसको तो फॉलो भी कर रहा है और लुक भी कर रहा है। सो मैं थोड़ा सा हल्का सा मूव करता हूँ, ये देखो ये क्लिपिंग हो जाती है। मतलब मैं अभी अभी जाऊँ उसको मैंने मूव किया है, पर मान लो तुम लोगों ने कुछ ट्रांजिशन या कट सीन या कुछ भी डाला है अभी आगे जाके, जिसमें कैमरा तुम्हारा मूव कर रहा है, प्लेयर जो कैमरा भी मूव कर रहा है अलग जगह पे, तो वहाँ पर तुम्हें ये क्लिपिंग तक प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, प्लेयर पर जाऊँगा, यहाँ उसकी लेयर्स में जाऊँगा और ऐड लेयर में एक प्लेयर लेयर बना दूँगा। और प्लेयर लेयर में बनाने के बाद इसी क्लियर को मैं जाके यहाँ पर असाइन कर दूँगा और ये चेंज द चिल्ड्रन भी कर दूँगा यहाँ पर, तो मेरे यहाँ पर कैप्सूल में भी प्लेयर लेयर अटैच हो जाएगी। अब इसके बाद मुझे मेन कैमरा में जाना है, अपने कर्लिंग मार्क्स में जाना है और एवरीथिंग में करके मुझे यहाँ प्लेयर को अनचेक कर देना है, तो ये उसको रेंडर करना बंद कर देगा। अब सो प्लेयर का कैप्सूल अब रेंडर नहीं हो रहा है, ठीक है। सो प्लेयर और उसको मैं वापस अपनी मेन जगह पे मूव करा सकता हूँ। तो इस तरह से तो अपना ये इस प्रॉब्लम क्लिपिंग की प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। ओके आपने इतना कर दिया, अब एक स्क्रिप्ट बनाते हैं जिसमें हम अपने एक्चुअली कैमरा को इधर उधर देख पाएँ। तो उससे पहले मैं एक और कंपोनेंट डाल ही देता हूँ उसमें, कॉल इनपुट मैनेजर, बस हमें इनपुट्स भी तो रीड करने ही हैं। और यहाँ पर स्क्रिप्ट में जाके मैं एक सी शार्प स्क्रिप्ट बनाता हूँ, क्रिएट एंड सी शार्प स्क्रिप्ट, और इसका नाम रख देते हैं कैमरा लुक, और इसको थोड़े कंपाइल कर देते हैं। और इस कैमरा लुक को मैं अपने जो पैरेंट है प्लेयर नाम यहीं पर अटैच कर देता हूँ मैं। ओके सो मैंने अपने स्क्रिप्ट खोल लिया वीडियो स्टूडियो पे, तो अपने एडिटर में खोल सकते हो। तो यहाँ पास मैं टॉप लाइन पे कैटेगरी डाल दूंगा रिक्वायर्ड कंपोनेंट, जिसमें मैं बताऊंगा कि मेरा जो जो कैमरा लुक है वो मेरे इनपुट मेजर पे डिपेंडेंट है और या तो उसके बिना काम नहीं करेगा, तो समथिंग लाइक दैट। अब इसके बाद मैं यहीं पास एक रेफरेंस बना लेता हूँ, प्राइवेट इनपुट मेजर, और इसका नाम रख देते हैं इनपुट्स, तुम्हें जो रखना है वो रखो। और कुछ वेरिएबल्स चाहिए होंगे, पहला वेरिएबल तो मेरा कैमरा ड्यूटी होगा, क्योंकि अगर मैं कैमरा वापस जाता हूँ, ओके मैं अगर वापस जाता हूँ कैमरा रूट पे, अगर कैमरा रूट में मैं रोटेशन वाला पार्ट सेलेक्ट करता हूँ और थोड़ा मूव कराता हूँ, तो मैं अपने जब कैमरा रूट को रोटेट कराता हूँ तो मैं एक्चुअली अपने कैमरा को या इधर उधर देख पा रहा हूँ टेक्निकली, ठीक है। तो हमें अपने स्क्रिप्ट में ही इसी कैमरा रूट से ही अपने प्लेयर को इधर रोटेट कराना है। तो प्राइवेट और इस ट्रांसफॉर्म और कैमरा रूट, इसके बाद मेरे को सिविलाइज फील एक सेंसिटिविटी भी का वेरिएबल बना देते हैं, प्राइवेट फ्लोट और माउस सेंसिटिविटी। इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 रख देते हैं। अब नेक्स्ट वेरिएबल्स बनाएंगे वो टेक्निकली क्लैम्प करने के काम आएगा मेरे माउस के लुक को। सो प्राइवेट फ्लोट मेन मेन लुक एंगल और मैक्स लुक एंगल, इतना करने के बाद हम वाई स्टार्ट भी जाएंगे। और यहाँ बस पहले मैं इनपुट्स को गेट कर लूँगा, इनपुट्स और गेट कंपोनेंट इनपुट मेजर, और अपने कर्सर को भी लॉक कर देता हूँ, कर्सर डॉट लॉक स्टेट इज इक्वल टू कर्सर डॉट लॉक्ड, हो गया मेरा कर्सर लॉक हो गया। अब वाइट अपडेट में हम एक्चुअली अपने इनपुट्स को रीड करना है, तो मैंने इनपुट मैनेजर स्क्रिप्ट बनाई, तो उसके अंदर तुम ध्यान दो, अगर मैंने एक तो एक पब्लिक वेक्टर टू बनाया था लुक इनपुट, और उसको मैं रीड कर रहा था अपने माउस की वैल्यूज में, रीड कर रहा था अपने माउस की डेल्टा पोजीशन को रीड कर रहा था। सो माउस लुक में जाके मेरे को अपने अपडेट में इसी चीज़ को स्टोर करना है, इसी की वैल्यू लेके अपने कैमरा को रोटेट कराना है। तो फ्लोट मैं यहाँ पास नाम लिख देता हूँ माउस माउस एक्स, और यहाँ पास सॉरी इनपुट्स सॉरी इनपुट्स डॉट लुक इनपुट्स और डॉट एक्स, और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा माउस सेंसिटिविटी से, और फिर टाइम डॉट
डेल्टा टाइम से। सेम फॉर द वाई एक्सिस, हमें वाई एक्सिस का भी करना है, माउस वाई और इनपुट्स डॉट लुक इनपुट, और यहाँ उसको टाइम डॉट डेल्टा टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, अपने प्लेयर को साइड बाय साइड रोटेट करने की कोशिश करते हैं। सो उसको रोटेट करने के लिए अगर मैं बैक टू यूनिटी जाऊँ तो प्लेयर को मुझे टेक्निकली साइड बाय साइड देखने, तो मुझे प्लेयर को रोटेट करना, को पैरेंट को रोटेट करना है, तो मैं उसको रोटेट करूँगा वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस ये ग्रीन वाली लाइन है, उसमें ऐसे रोटेट करूँगा, तो मुझे ये बात यहाँ तक नहीं है। तो मैं वापस जाता हूँ स्क्रिप्ट में, तो ट्रांसफॉर्म ले लूँगा, ट्रांसफॉर्म उसी का स्क्रिप्ट अटैच है, उसमें रोटेट फॉर्म मैथड को मैं कॉल करूँगा, और यहाँ पर अपनी मैं डायरेक्शन को मतलब एक्सिस बताऊँगा। तो मेरा एक्सिस है वेक्टर 3 डॉट अप, ठीक है, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा माउस सेंसिटिविटी से, सॉरी माउस सेंसिटिविटी नहीं, सॉरी गलत हो गया, माउस एक्स से, ओके माउस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँगा। और वापस जाके यूनिटी में अगर मैं प्ले करता हूँ, ओके कम ऑन, कंपाइल हो गया, ओके कंपाइल हो गया, और मैं इसमें अभी और भी अगर प्ले करता हूँ, होपफुली कोई एरर ना आए या कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो टेक्निकली मैं रोटेट अगर कर पाऊँ, सेंसिटिव बहुत कम है, 1 है, तो मैं सेंसिटिव को लाइक समथिंग अराउंड वैल्यू 50 कर देता हूँ। लेट अप अगेन, ओके यप मैं इधर उधर देख पा रहा हूँ। अब तू ही पास चलते हैं लोग उसको ऊपर नीचे कैसे देख पाएँ, मतलब अपने वाई एक्सिस में कैसे देख पाएंगे। तो उसके लिए मुझे अपने कैमरा रूट को, मतलब इस बार मैं अपने पैरेंट को रोटेट नहीं कराऊंगा, इस बार मैं अपने कैमरा रूट को लूँगा और उसका जो एक्स एक्सिस होगा, लोकल एक्स एक्स होगा, उसको उठा के मैं यहाँ से रोटेट कराऊँगा। तो मेरे से एक तरह से वाई एक्सिस पे मैं देख पा रहा हूँ। तो मैं वापस चलता हूँ अपने एडिट स्क्रिप्ट में, और यहाँ पास मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा प्राइवेट फ्लोट एक्स रोटेशन के नाम से, और इस एक्स रोटेशन में मैं क्या करूँगा, इस एक्स रोटेशन को मैं माइनस करता चला जाऊँगा, अगर प्लस करोगे तो इन्वर्स हो जाएगा, और तुम्हारा जो एक्स एक्सिस पे इन्वर्स हो जाएगा, तो तुम्हें माइनस करना है। पर अगर तुम लोग सोच रहे हो कि कुछ इन्वर्स कंट्रोल डालने का, तो यहाँ पर तुम प्लस भी कर सकते हो, लाइक कोई तक बोलियन चेक डाल के कि अगर प्लेयर ने इन्वर्स कंट्रोल चुना है तो यहाँ पर प्लस हो वरना माइनस हो, ऐसा कुछ कर सकते हो। यहाँ पास अब एक्स रोटेशन में मुझे एक बात मेक श्योर करनी है, मैं कितना ज़्यादा ऊंचा दे सकता हूँ, कितना मिनिमम नीचे दे सकता हूँ, वो उसके लिए मैं इस एक्स रोटेशन को क्लैंप कर दूंगा, इज इक्वल टू मैथ एफ डॉट क्लैंप। यहाँ पर दो फंक्शन है, क्लैंप और क्लैंप 01, तो हमें क्लैंप चाहिए, और क्लैंप डॉट में एक्स रोटेशन डाल, एक्स रोट डाल देता हूँ, और यहाँ पर मिनिमम लुक एंगल और मैक्सिमम एंगल पास कर दूंगा। अब उसके बाद मैं अपने कैमरा रूट को लूँगा, उसके लोकल रोटेशन को लूँगा, लोकली रोटेट करना, ठीक है, लोकल रोटेशन लूँगा इसीलिए, और फिर कॉर्टेनियंस, क्योंकि तुम रोटेशन में कॉर्टेनियंस ही पास कर सकते हो, इलोर, और यहाँ पास एक्स रोटेशन को मैं पास कर दूंगा, एक्स रोटेशन और इसके एक्स वाई वैल्यू में, और दूसरी जगह पे 0। एंड आई थिंक दैट्स इट, तुम्हारा इस इतने से तुम्हारा तुम अपने कैमरा लुक को बना लोगे। लेट देम कंपाइल इट, ओके सो प्लेयर भी जाते हैं, और यहाँ पास मैं कैमरा रूट को साइन कर देता हूँ, कुछ मिनिमम लुक एंगल देते तो लाइक -70 और लेट्स से 80 ऑन द मैक्स, ये तुम्हारे ऊपर तुम्हें कैसी कैसी वैल्यू देनी है, ये ज़्यादा हिट एंड ट्रायल्स पर चल जाएगी तुमको अपने गेम में। इस परफेक्टली 90 कोई देख नहीं सकता, ना परफेक्ट 90 नीचे देख कोई देख पाएगा। सो ओके यप मैं उधर तो पूरा क्लियरली देख पा रहा हूँ। सो अब नेक्स्ट चीज़ पे चलता हूँ, स्क्रिप्ट में ही राइट क्लिक करूँगा यहाँ पर क्रिएट और सी शार्प स्क्रिप्ट, इस स्क्रिप्ट का नाम मूवमेंट रख देते हैं, मूवमेंट, और इस स्क्रिप्ट पे जाके मैं अपने प्लेयर में अटैच कर देता हूँ। सो यहाँ बस आ गई है, और इसको अपने एडिटर में खोल लेता हूँ। ओके अब मैं टॉप पे दो एक एट्रीब्यूट डालूंगा रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स, ये स्क्रिप्ट में डिपेंडेंट होगी कैरेक्टर कंट्रोलर और इनपुट मेजर पे, तो उसके लिए मैं डाल देता हूँ टाइप ऑफ कैरेक्टर कंट्रोलर कॉमा टाइप ऑफ कैमरा नहीं इनपुट मेजर, ठीक है, और यहाँ पर दोनों के रेफरेंस बना लेता हूँ, प्राइवेट कैरेक्टर कंट्रोल कंट्रोलर और प्राइवेट इनपुट मैनेजर इनपुट मैनेजर, ओके, और इन दोनों को स्टार्ट में इंस्टॉलाइज कर देता हूँ, सो कंट्रोलर गेट कंपोनेंट करके और इनपुट मैनेजर गेट कंपोनेंट करके। तो यहाँ पास कुछ कपड़ों को वेरिएबल बना देते हैं, पहला होगा प्राइवेट फ्लोट करेंट स्पीड, ये मेरी करेंट स्पीड को होल्ड करेगा, और दूसरा होगा इसकी डायरेक्शन को होल्ड करने के लिए प्राइवेट वेक्टर 3, एक वेक्टर 3 होगा, वेक्टर 3 और डायरेक्शन, मैं इसको नाम स्पॉट पर मैं DIR कर देता हूँ, और नेक्स्ट थिंग्स एक सीरियलाइज फील्ड बना देता हूँ और प्राइवेट फ्लोट, और इसका नाम ले देते हैं वॉक स्पीड,
है, तो उसको मैं इंस्पेक्टर से एडजस्ट कर पाऊँगा। और यहाँ पे स्टार्ट में मैं क्या करता हूँ, वॉक स्पीड को, सॉरी, करेंट स्पीड को इक्वल कर देता हूँ वॉक स्पीड के। अब अपडेट में मुझे अब इनपुट्स को रीड करना है, जो इनपुट्स जो मैं रीड किए हैं उसको टेक्निकली भी यहाँ पर अप्लाई करना है। पहले कंडीशन बनाऊंगा, इफ़ ले लो इनपुट्स मैनेजर डॉट मूव इनपुट डॉट मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर देन 0.01। देखो ये चीज़ लाइन ज़्यादा सिग्नल्स नहीं आती अगर तुम कीबोर्ड पर खेल रहे हो, पर अगर तुमने गेम पैड कंट्रोल्स भी डाल रखे हैं, लाइक मल्टी तुम्हारा मल्टी इनपुट्स हैं, डिपेंडिंग कौन सा प्लेटफॉर्म बंदा खेल रहा है उसके हिसाब से अगर तुमने डाल रखे हैं, तो तब यहाँ पर थोड़ा ये लाइन करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लेयर मूव जॉयस्टिक्स करा रहा है, तो वहाँ पर तुम जाते कि तुम्हारा जॉयस्टिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, तो थोड़ा सा मैं एक थ्रेशोल्ड दे दो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसलिए अभी के लिए मैं डाल देता हूँ, मैं एज्यूम करता हूँ तुमने हो सकता है गेम पैड्स के भी इनपुट्स डाले हों, तो उसके लिए मैं सोच के डाल रहा हूँ। सो इनपुट मेजर डॉट मूव इनपुट डॉट मैग्नीट्यूड, अगर 0.01 से मतलब थोड़ी सी उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है, तब ये अपडेट एक्चुअली जाके इसको रीड करेगा। सो मैं डायरेक्शन इज इक्वल टू यहाँ पर इनपुट्स मेजर डॉट मूव इनपुट डॉट, यहाँ पर मैं एक्स ले लूँगा और उसको मल्टीप्लाई कर दूँगा मेरा जो ट्रांसफॉर्म डॉट राइट से। मैं ट्रांसफॉर्म डॉट राइट लोकल एक्सेस लिया है मैंने उसके, और फिर उसको ऐड अप कर दूँगा इनपुट मैनेजर डॉट मूव इनपुट डॉट वाई और उसके फॉरवर्ड से। ओके, अब लोग यहाँ ध्यान देखना, मेरा जो मूव इनपुट है वो आई थिंक एक वेक्टर टू है, उसमें जो इसकी जो वैल्यूज़ होंगे वो एक्स एंड वाई में होंगे, पर जो मेरा मूवमेंट है वो एक थर्ड डायमेंशनल मूवमेंट है, तो यहाँ जो मूवमेंट होगी वो एक्स और जेड वैल्यू में होगी। डायरेक्शन की, इसलिए मैंने इसको ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड से मल्टीप्लाई किया वाई को मैंने, तो ये बात ध्यान रखना है क्योंकि वाई हमारा अप एक्सिस हो जाएगा और वहाँ पर हम टेक्निकली जंप करेंगे उस एक्सिस पे, पर जो मूवमेंट होगी वो एक्स और जेड में होगी, तो डायरेक्शन को उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। अब सिंपली हम मूव कराने के लिए, तुमने कर लिया है, अब सिंपली हम मूव कराने के लिए क्या करेंगे, इसकी बाहर में कंट्रोलर डॉट मूव और यहाँ पर मेरे को पास करना है डायरेक्शन, मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको करंट स्पीड से मैं, फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा टाइम डॉट डेल्टा टाइम से। अगर इतना इतना करने से तुम्हारा प्लेयर अब मूव करने लग जाएगा, एक सिंपल मूवमेंट तुमको मिल जाएगी। और मैं आपको वॉक स्पीड कुछ 5 रख देता हूँ अभी के लिए और प्ले करता हूँ, तो आई होप इज़ गोइंग टू वर्क। ओके, अगर मैं डब्ल्यू दबाता हूँ तो मैं मूव कर पा रहा हूँ, ओके शायद अपनी लोकल एक्सिस में मूव कर पा रहा हूँ। पर इससे एक प्रॉब्लम ये हो गई है, अगर तुम ध्यान देखो, अगर मैं डब्ल्यू दबा के छोड़ देता हूँ तो मेरा प्लेयर कैरेक्टर्स उसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है बिना रुके। तो इस इशू को मैं फिक्स करने के लिए यहाँ पास मैं जो एक कंडीशन नहीं थी, यहाँ पास एल्स में मैं क्या कर सकता हूँ कि डायरेक्शन को, नॉट डायरेक्शन को नहीं करना, हाँ डायरेक्शन को मैं इज इक्वल टू वेक्टर 3, कहाँ गए, वेक्टर 3 0 कर देता हूँ अभी के लिए। ये काम करेगा, देखते तो नाउ इट्स वर्किंग। तुम डायरेक्शन को ना 0 करके यहाँ चाहो तो स्पीड को भी 0 कर सकते हो, पर अभी इन फ्यूचर हम लोग स्पीड ही को 0 करेंगे ना कि डायरेक्शन को, पर अभी के लिए डायरेक्शन छोड़ देते हैं ये पर ऐसे ही के लिए। अब नेक्स्ट चीज़ हमको जिस पर ध्यान देना है वो ग्रेविटी, अगर मैं अपने प्लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और उसको ऊपर ले जाता हूँ तो टेक्निकली अगर देखो तो ये नीचे नहीं गिर रहा क्योंकि कोई ग्रेविटी वर्क नहीं कर रही है, तो अभी हमको इसमें ग्रेविटी इंप्लीमेंट करनी है। तो उसके लिए पहले क्या करूँगा, प्लेयर पर ही राइट क्लिक कर दूँगा, क्रिएट एम्प्टी और यहाँ पर ग्राउंड चेक बना देता हूँ, ग्राउंड चेक, और इसके वाई को मैं 0 पॉइंट समथिंग लाइक 0.75 कर लेता हूँ, जिससे थोड़ा सा नीचे आ जाए, -0.7 आई थिंक, ओके सम वॉट यहाँ पास कहीं आ जाए, यहाँ पास आ जाए। और यहाँ पर मेजर करते ग्राउंड चेक में भी प्लेयर लेयर है, और अगर मैं अपने इन्वायरमेंट सेलेक्ट करूँ जो मेरा वॉकेबल एरिया है उसमें मुझे मेक श्योर करने के लेयर में जाके एड लेयर और एक ग्राउंड लेयर अटैच कर देनी है यहाँ पास, इससे मैं प्लेयर को बता पाऊँ कि कौन सा एरिया वॉकेबल और कौन सा इलेक्ट्रिकल ग्राउंड वहाँ हो जहाँ स्टैंड कर सकता है, तो ग्राउंड लेयर अटैच कर देना। अब नेक्स्ट ये मुझे वापस स्क्रिप्ट में जाना है और स्क्रिप्ट में और यहाँ पास एक वेरिएबल बनाएंगे, स्टेबलाइज फील्ड होगा वो प्राइवेट लोड और उसका नाम रखते थे ग्रेविटी इज इक्वल टू -9.81 एफ कर देंगे, और दूसरा होगा प्राइवेट लोड ग्राउंड डिटेक्शन रेडियस आई थिंक कर देते हैं,
और इसको अभी के लिए 0 रख देते हैं। फिलहाल स्पीड एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसमें इस बार हम लेयर, इसमें लेयर ले लेंगे, लेयर मार्क्स, और इसमें देते हैं ग्राउंड लेयर। और नेक्स्ट चीज़ होगी हमारे स्टेबलाइज फील्ड प्राइवेट ट्रांसफॉर्म ग्राउंड लेयर, अच्छा ग्राउंड लेयर नहीं, ग्राउंड चेक। ओके, इतना करने के बाद हमें वायर अपडेट में चेक करना है पहले कि ये बंदा जो हमारा प्लेयर है वो ग्राउंड पे है कि नहीं। तो इस एक बूलियन बना लेते हैं ऊपर साइड, प्राइवेट बूल इस ग्राउंडेड, और यहाँ पर इस ग्राउंड इज इक्वल टू फिजिक्स डॉट ओवरलैप, आई थिंक ओवर नॉप चेक स्पीयर। एक स्पीयर यहाँ, एक स्पीयर कास्ट करेंगे यहाँ पर हम लोग। और अगर स्पीयर में हमें चेक करना है कि ग्राउंड अगर आता है कोई ग्राउंड का मैच या कोई क्लाइडर अगर उससे आता है तो हम बताएंगे कि स्पीयर ग्राउंड पे है। तो यहाँ पर हम ग्राउंड चेक की पोजीशन पास कर देंगे कहाँ पर ये स्पीयर बनाना है, उसके बाद उसका रेडियस क्या होगा और ग्राउंड डिटेक्शन रेडियस, और उसके बाद उसकी एक लेयर को ग्राउंड लेयर। ओके, इतना करने के बाद और टेक्निक मुझे स्पीयर को विजुलाइज भी करना है, तो मैं एक तो वाइड ऑन गिज्मो, ऑन ड्रॉ गिज्मो कर लेता हूँ मैं, और इसमें गिज्मो को पहले कुछ कलर बता देते हैं। सो गिज्मो डॉट कलर, कलर येलो कर लेते हैं, और गिज्मो में एक स्पीयर बनाते हैं, गिज्मो डॉट ड्रॉ स्पीयर, और कहाँ के ड्रॉ स्पीयर, ड्रॉ स्पीयर। और यहाँ पर सेम हमें पहले कहाँ बनाना है वो बता देंगे, ग्राउंड चेक डॉट पोजिशन, और उसका रेडियस होगा ग्राउंड डिटेक्शन रेडियस। ओके, सम वॉट लाइक दिस इज ग्राउंडेड। सो अगर मैं जाके अगर वापस यूनिटी एडिटर में जाके प्ले करूँ और वेरिएबल ग्राउंड चेक नॉट साइन मुझे एयर दे रहा है, तो मैं ग्राउंड चेक जाके साइन कर देता हूँ और उसमें ग्राउंड लेयर दे देता हूँ यहाँ पर, और कुछ ग्राउंड रेडियस दे देता हूँ 0.25। ओके, सो अगर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँ, सम वो ग्राउंड चेक को थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ हल्का सा ऊपर की, थोड़ा सा मैं कुछ इस कवरेचर को थोड़ा सा मैच करने जाए उसके हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पास। एंड देन अगर मैं प्ले करूँ और उसको प्ले करने से पहले इसमें डीबग बोर्ड ऑन कर देता हूँ, इससे मैं इस ग्राउंडेड के वेरिएबल को देख पाऊँ। और लेट्स प्ले इट। ओके, मेरा यहाँ पर नीचे तो इस ग्राउंडेड ट्रू है, पर अगर मैं अपने प्लेयर को जाकर थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ तो इस ग्राउंडेड मेरा फॉल्स जा रहा है। सो ये हमें पता चल रहा है कि हमारा प्लेयर ग्राउंड पर है कि नहीं, वो हमें पता चल रहा है। अब एक्चुअली थोड़ा ग्रेविटी इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं यहाँ पर एक और प्राइवेट वेक्टर थ्री बनाऊंगा। ये वेक्टर थ्री जिस वाई वेलोसिटी को स्टोर करने के लिए काम आएगा, तो वाई वेल रख देते हैं इसका नाम। एंड देन क्या करता हूँ, आफ्टर इस लाइन के बाद ही मैं वाई वेल को उसका वाई एक्सिस लेता हूँ और प्लस इक्वल ग्रेविटी कर देता हूँ, और उसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ टाइम डॉट डेल्टा टाइम से, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोलर डॉट, अब यहाँ पर एक वापस कंट्रोलर डॉट मूव, देखो मैं इसको अलग से कर रहा हूँ क्योंकि चाहता हूँ डायरेक्शन से कंबाइन कर दूँ, पर इससे एक अच्छा फ़ायदा ये मिलेगा कि मैं अब ग्रेविटी को अलग से हैंडल कर रहा हूँ, उसकी मूव ग्रेविटी की जो मूव जो पोजीशन चेंज होगी उसका अलग से हैंडल कर रहा हूँ, और जो मेरा एक्चुअल प्लेयर एक्स जेड मूव कर रहा है वो एक अलग से मूव हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात होगी। वाई वेल को ले लूँगा, उसको टाइम और डेल्टा से फिर मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो वो ग्रेविटी का एक्सप्रेशन होता है, इससे तुम्हें दो बार उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले एक बार यहाँ कर दोगे एक बार यहाँ करोगे, और इसको करने के बाद तुम्हारा लाइक काइंड लाइक वर्क करने लग जाएगा। सो वाई वापस यूनिटी में जाता हूँ मैं, और मैं थोड़ा सा लेयर को ऊपर ले कर देता हूँ, तो ये थोड़ा सा अब नीचे गिर जाएगा। ओके, नीचे गिर गया, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है, अगर मैं वापस को ऊपर उठाता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा स्नैप करने लगा है, क्योंकि मेरी जो वाई वेलोसिटी बहुत तेज़ी से नीचे गिर रही है, तो मुझे इसको रीसेट करना पड़ेगा जब भी मेरा प्लेयर ऑन ग्राउंड हो। तो इसको यहीं पास मैं इस मैं यहाँ चेक लेता हूँ, इफ़ इस ग्राउंडेड है तो वाई वेल को मैं या तो वाई वेल डॉट इज इक्वल टू, या तो उसको मैं 0 कर दूँ या छोटी सी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे वाई 0.2f से कुछ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये थोड़ा सा इसको थोड़ा अटैच रखेगा ग्राउंड से टेक्निकली। और मैं वापस आके यहाँ प्ले करता हूँ, अगर प्ले हो गया अब मैं इसको वापस उठाता हूँ तो ये आराम से उसको मैं गिरा पा रहा हूँ, और अगर देखता हूँ तो ओके
ओके यहाँ पे सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को ये करना पड़ेगा कि इसका ग्राउंड डिटेक्शन रेडियस थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा या तो कम करना पड़ेगा। इसकी ग्राउंड डिटेक्शन जो रेडियस होगा इसको थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे आ जाए सही है, तो ये प्लेयर को ग्राउंड आराम से डिटेक्ट कर पाए मेरा। तो तुम्हें इसका थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा यहाँ पर, उसको सही से ये थोड़ा सा ये हल्का सा बाहर हो इससे ग्राउंड का साइज से एडजस्ट कर पाए। उसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पर नीचे ला के, हल्का सा बाहर साइड थोड़ा सा बाहर रहे तो सही रहेगा। ओके अब ग्रेविटी काम कर रही है तो हमें जंपिंग भी डाल ही देते हैं इसमें। सो मैं वापस एडिटर में जाता हूँ वापस, और क्या करता हूँ पहले इसको एक साथ ही कर ले रहा हूँ यहीं पास, इसको एक साथ कर लेता हूँ और जो मूवमेंट वाले पार्ट को ऊपर ही कर देता हूँ। सो यहाँ पास फर्स्ट मुझे जंपिंग के लिए अपने इनपुट्स लेना है कि मैंने स्पेस बार दबाया कि नहीं दबाया। तो मैंने अपने यहाँ इनपुट मेजर में ही मैंने एक तो बनाया था इस जंप प्लस का वेरिएबल, सो मुझे इसको यहाँ से गेट करना है। सो इफ़ इनपुट्स मेजर डॉट इज जंप प्रेस्ड, अगर उसने दबाया है, और मुझे जंप तभी करना है जब मेरा प्लेयर ऑन ग्राउंड हो, जमीन में हवा में ना हो तभी मुझे जंप करना है। तो इस ग्राउंडेड पे चेक कर लूँगी एक बार, और यहाँ पास अब टेक्निकली यहाँ पर मुझे अपनी वेलोसिटी को मॉडिफाई करना है, जो मेरी डाउनवर्ड की वेलोसिटी उसको मॉडिफाई करना है। तो वाई वेल डॉट वाई, और यहाँ पर इसको इक्वल कर दूंगा मैथ डॉट स्क्वायर रूट अब -2 इंटू ग्रेविटी, और मल्टीप्लाई करूँगा जंप हाइट से, तो जंप हाइट का वैल्यू मैं ऊपर बना लेता हूँ। तो यहीं पास नीचे इसके स्लाइस फील्ड प्राइवेट डॉट जंप जंप हाइट, और उसको ले जाकर मैं यहाँ पास मल्टीप्लाई कर देता हूँ। टेक्निकली एक फॉर्मूला है जो तुम्हारी वेलोसिटी बताती है ग्रेविटी के अंदर। सो और यहाँ पास जंप हाइट, सो मैंने बस वाई वेलोसिटी को बैथ ऑफ द स्क्वायर रूट -2 ग्रेविटी मतलब स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 इंटू GH कर दिया है। जब तुमने फिजिक्स पढ़ी हो तो उसमें एक फॉर्मूला आता है V=√2gh, ये वही फॉर्मूला है एक्चुअली। सो बैक टू द यूनिटी, और जंप हाइट को लाइक मैं 5 कर देता हूँ, या ये 5 ही भी कर लेता हूँ, और प्ले करता हूँ तो मेरा प्लेयर गिर गया है। और अगर मैं स्पेस पर दबाऊंगा तो ओके जंप कर रहा है, जंप हाइट थोड़ी ज़्यादा है पर उसको बाद में एडजस्ट किया जा सकता है। अभी के लिए मैं तो मान लो 3 कर देता हूँ, इट्स ओके 3 यूनिट्स। अब यहाँ से तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें चलते हैं हम लोग। अगर मैं इस गेम को प्ले करता हूँ तो तुम लोग इसको प्ले करोगे तो कुछ इसकी एक बात तुम नोटिस करो, अगर मैं चल रहा हूँ इधर उधर और जंप करता हूँ तो मैं जंप अपने ऑन नहीं अपनी मूवमेंट की डायरेक्शन में चेंज कर पा रहा हूँ, पर तुम लोग देख पाओ तो। पर कुछ गेम से क्या होता है कि तुम जब तुम जंप करते हो तुम अपने ऑन नहीं अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हो, इस चीज़ को हम लोग गेम्स में एयर कंट्रोल कहते हैं। तो अब टेक्निकल लोग इसमें अब एयर कंट्रोल इंप्लीमेंट करेंगे। अपने वीडियो स्टूडियो में वापस जाता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर एक बूलियन बनाता हूँ नीचे इसके सिविलाइज फील करके प्राइवेट बूल एयर कंट्रोल। सो मैं यहाँ पर एक चेकबॉक्स बना दूंगा कि एयर कंट्रोल को इनेबल रखना है या नहीं रखना है, सम वॉट लाइक दैट, ठीक है। और यहाँ पास डायरेक्शन को फिट कर रहा हूँ, इससे पहले मैं करूँगा इफ़ एयर कंट्रोल, अगर एयर कंट्रोल इनेबल है मैं अपनी हवा में मैं अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर रहा हूँ, तो उस पॉइंट पे मैं सिंपली डायरेक्शंस को ले लूँगा। पर व्हाट इफ एयर कंट्रोल बंद है, तब मुझे चेक करना है अगर क्या प्लेयर ग्राउंड पे, सिर्फ ग्राउंड पे है तभी मैं अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर पाऊँ। सो इस ग्राउंडेड और डायरेक्ट सेम लाइन को मैं ले लेता हूँ यहाँ पास, लाइक कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C और यहाँ पास Ctrl+V, डन ठीक है। और उसको वापस यूनिटी में चलता हूँ मैं। सो यहाँ पास क्या हो रहा है कि जब एयर कंट्रोल होगा ये ऐसे ऐसे काम करेगा, जब एयर कंट्रोल बंद होगा तब ये तब तक चेक करेगा जब तो मैं ग्राउंडेड ना हूँ, और जब ग्राउंडेड हूँ तभी मैं मूव कर पाऊँगा, तभी मैं कुछ डायरेक्शंस दे पाऊँगा, तभी लाइक दैट। सो मेरा भी अभी मान लो मेरा एयर कंट्रोल अभी इनेबल रखता हूँ तो ये जैसे पहले काम कर रहा था वो वैसा ही अभी काम करेगा ये। अब मैं मूव कर रहा हूँ, मैं हवा में अपनी डायरेक्शन चेंज कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ एयर कंट्रोल को बंद कर देता हूँ, और अगर मैं अब थोड़ा मूव करता हूँ जंप कराता हूँ तो अब मैं अपने हवा में इनपुट चेंज नहीं कर पाता हूँ। मेरा मूव इनपुट तो रीड कर रहा है डायरेक्शन पर मैं मूव नहीं करा पा रहा हूँ अपने एयर में, तो मैंने अपने एयर कंट्रोल्स में डाल दिया है। अब नेक्स्ट चीज़ देखेंगे कुछ ऑन लैंड इवेंट्स बनाएंगे। जैसे तुम देखते हो कि गेम में जब लोग कूदते हैं तो कुछ हल्का सा लाइक कैमरा शेक होता है या कुछ इफेक्ट्स प्ले होते हैं, तो हमें यूनिटी में पता कैसे चलेगा कि हमने कब ज़मीन में लैंड किया है, तो उसके लिए हम लोग कुछ एयर टाइम बना पाएंगे। जैसे लाइक मैं अभी
ग्राउंड में फॉल हो रहा हूँ, तो मुझे कोई पता नहीं चल रहा है कि मैं ग्राउंड में फॉल हुआ, कब गिरा, किस पॉइंट किस फ्रेम में मैंने ग्राउंड को टच किया, मुझे वो पता चल रहा है। इसका एक तरीका होता है कि तुम कोलिजन चेक कर लो, पर कैरेक्टर कंट्रोलर में तुम कोलिजन चेक नहीं कर सकते, काइंड ऑफ लाइक थोड़ा लिमिटेड है यहाँ पर कोलिजन चेक होता है। इसके लिए हम एक तरह से अपने स्क्रिप्ट में ही एक कुछ टाइप का काउंटर बना लेंगे कि इतने टाइम के बाद एयर टाइम टाइप कुछ नाम का, और लाइक इतनी देर बाद वो उसको इंक्रीमेंट करते हैं, जितनी देर होता है वो हवा में रहेगा, और जैसे वो ग्राउंड पे आएगा उसको ज़ीरो कर देंगे, और जैसे वो ज़ीरो होगा उसमें हम एक इवेंट वहाँ पर इन्वोक कर देंगे कि हमें जिससे पता चल जाए कि हम ग्राउंड पे लैंड हो गए हैं। तो मैं ऊपर जाऊँगा वापस अपने वेरिएबल्स में, तो वेरिएबल्स मुझे एक तो प्राइवेट वेरिएबल आना पड़ेगा, प्राइवेट फ्लोट, और उसको नाम देते हैं एयर टाइम, और यहाँ पर कुछ एक थ्रेशोल्ड बना देते हैं क्योंकि लाइक माल हल थोड़ी देर के लिए वो हवा में था, लाइक 0.1 सेकेंड के लिए, 0.3 सेकेंड, तो उसको मैं काइंड ऑफ काउंट नहीं करूँगा ऐसा कोई लैंड इवेंट की तरह। तो मैं एक तरह से थ्रेशोल्ड बना देता हूँ यहाँ पर, प्राइवेट फ्लोट मेन एयर टाइम नाम के, ओके। और एक तो यहाँ पर नीचे साइड लाइफ फील्ड प्राइवेट एक यूनिटी इवेंट बना देता हूँ, अब देखो यूनिटी इवेंट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हो सकता है मुझे लैंड करने के बाद पार्टिकल्स हो प्ले करने हो या कुछ कैनवास शेक देना हो, तो यूनिटी इवेंट से एक फ़ायदा मिलेगा कि मैं यहाँ से इन्वोक कर दूंगा, बस मुझे यहाँ पर लाइक उस मैथड्स को असाइन करना है और फिर यूनिटी और एक बार बस कॉल करना है, तो इसीलिए तो मैं यहाँ पर एक ऑन लैंड का एक इवेंट बना देता हूँ, ऑन लैंडेड मान लेते हैं उसको, हाँ ऑन लैंडेड। और लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी मैं स्टार्ट में क्या करता हूँ, इस ऑन लैंडेड में एक जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस ऑन लैंडेड एक तो इसमें इवेंट अटैच कर देता हूँ, एक लिस्ट में ऑलरेडी अटैच कर देता हूँ जिससे मैं पता लगा कहाँ ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक यूनिटी कॉल, ये एक पैरामीटर देता है यूनिटी कॉल, सो एक लैम्डा फंक्शन लिख देता हूँ डिबग डॉट लॉग, और इसमें दे देता हूँ लैंडेड ऑन ग्राउंड, डन। सो मैंने एक लिसनर ट्रैक अटैच कर दिया है, तो जब भी जमीन को टच करेगा ये इवेंट इन्वोक होगा। सो मैं इस ग्राउंडेड से पहले मैं क्या करूँगा, इफ एयर टाइम, या यहाँ करने से पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इस ग्राउंडेड में एक एल्स कंडीशन बना देता हूँ, ठीक है, एल्स कंडीशन, और यहाँ पर एयर टाइम को मैं इंक्रीमेंट करता हूँ टाइम डॉट डेल्टा टाइम से, टाइम डॉट डेल्टा टाइम्स, ठीक है। तो जितनी देर मैं हवा में रहूँगा उतनी देर ये एयर टाइम बढ़ता रहेगा, जैसे 1 सेकेंड रहा तो 1 सेकेंड एयर टाइम हो जाएगा, 2 सेकेंड रहा तो 2 सेकेंड ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पास वेलोसिटी से पहले मैं या वेलोसिटी उसके बाद ही कर लेते हैं, एयर टाइम को जिस पॉइंट पर मैंने ग्राउंड को जैसे टच किया तो उस टाइम को मैं एयर टाइम में ज़ीरो कर दूंगा वहाँ पास, ओके। अब यहाँ पास मुझे क्या करना है, इफ़ एयर टाइम, अगर एयर टाइम मेरा मिनिमम एयर टाइम से बड़ा है, मतलब एक थ्रेशोल्ड को मैंने पार कर दिया है और वो अब ग्राउंड पे भी आ गया है, तो मैं ऑन लैंड को इन्वोक कर दूंगा, ये बात कुछ मार्क लगा दूंगा कि आई नल तो नहीं इवेंट, तो और उसके बाद उसको इन्वोक कर दूंगा, दैट्स इट। के लेट इवेंट को कंपाइल करने देते हैं, यहाँ पर ओके मिनिमम एयर टाइम को मैं कुछ वैल्यू देता हूँ 0.3, वैल्यूज तुम पे डिपेंड करती है तुम्हारा गेम कैसा होगा उसके हिसाब से, और उसको डीबग लॉग्स ले जाके मैं नॉर्मल मोड से जाता हूँ। यहाँ पर एक लैंड इवेंट भी देखने लगा है, कंसोल पे मैं खोल लेता हूँ, तो आई थिंक जैसे मैं ग्राउंड को टच करेगा मुझे यहाँ पर एक डीबग डॉट लॉग आएगा, ओके आ गया लैंडेड ऑन ग्राउंड, और ये एक बार एक ही बार आया तो उसका मतलब मुझे पता चल गया कि एक बार ही बस कॉल हो उसी फ्रेम कॉल, इस फ्रेम में मैंने इसको ग्राउंड में ही टच किया था, तो जब अगर मैं वापस कूदता हूँ और ज़मीन पे आता हूँ तो दूसरी बार आ गया। लाइक ऐसे मैं किसी स्लोप पे जाता हूँ और स्लोप से नीचे गिरता हूँ तो ये वापस मुझे ऑन लैंड आ रहा है, तो इस ऑन लैंडेड इवेंट की वजह से मैं कुछ टाइप का लाइक इफेक्ट डाल सकता हूँ कि ऐसे में जैसे प्लेयर में ज़मीन मेरे को टच किया तो मैंने कुछ पार्टिकल्स प्ले कर दिया, कैनवास से प्ले कर दिया, तो उससे डालना बहुत आसान हो जाएगा। तुम लोग बस ऑन लैंड लिमिट जाना है, यहाँ पर प्लस करना है, यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट और उसका फंक्शन अटैच कर देना है जैसे तुम एक बटन लिसनर पर करते हो, कुछ वैसे यहाँ पर तरीका होगा, ओके। अब हम अपनी लास्ट चीज़ से मूव करते हैं, इसका नाम है स्प्रिंटिंग। तो स्प्रिंटिंग के लिए मैंने आई थिंक एक इनपुट्स बनाए थे जो
ये स्प्रिंट होल्ड नाम से है, तो ये बूलियन है, जब तक मैं अपने स्प्रिंट बटन दबा रखूँगा तब तक वो प्लेयर स्प्रिंट करेगा। सो इसी को हम लोग मूवमेंट में कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। तो पहले मुझे एक स्प्रिंटिंग स्पीड को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं स्लाइड स्पीड पावर चलता हूँ, स्लाइड स्पीड प्राइवेट फ्लोट और उसका नाम स्प्रिंट स्प्रिंट स्पीड। ओके अब यहाँ पास मेरे को जो करंट स्पीड वॉक स्पीड ऊपर रहने देता हूँ, यहाँ पर छोड़ देता हूँ या ओके यहाँ पास समवॉट ओके यहाँ पर स्टार्ट पे मैं पहले ये करंट स्पीड को यहाँ से हटा देता हूँ वॉक स्पीड से। अब नेक्स्ट इज यहाँ पास समझो तो मैं इनपुट्स को रीड कर रहा हूँ, उसी पॉइंट पे मुझे चेक भी करना है क्या मैं सिर्फ दबा रहा हूँ कि नहीं दबा रहा हूँ, मतलब कोई इनपुट्स दबा रहा हूँ कि नहीं दबा रहा हूँ। सो इफ इनपुट्स इनपुट मेजर डॉट सॉरी यहाँ पर मैं मूव इनपुट है और मैं स्प्रिंट तभी करे जब मैं डब्ल्यू दबाऊँ, तो मूव इनपुट डॉट वाई जब ग्रेटर देन है 0 से, मैं डब्ल्यू कंस्पॉन्ड करती है वैल्यू 1 को, तो मुझे ये बात मेक श्योर करना है कि मैं जो मूव इनपुट डॉट वाई है वो 0 से बड़ा हो, और उसी उसके साथ ही मैं इनपुट मेजर डॉट स्प्रिंट को भी होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस पॉइंट पे मैं अपने करंट स्पीड को इज इक्वल टू स्प्रिंट स्पीड कर दूंगा, वरना अगर नहीं दबा रहा हूँ या तो मैं वापस को एल्स करंट स्पीड को मैं अपने ले जाके वॉक स्पीड कर दूंगा। और यहाँ पास एल्स पे डायरेक्शन और 0 करने के बजाय मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, करंट स्पीड को ही मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, सो कुछ इनपुट अगर कोई इनपुट्स आएगा डिपेंडिंग अगर मैं स्प्रिंट स्विफ्ट दबा रहा हूँ नहीं दबा रहा हूँ, उसके बाद ये वॉक स्पीड या स्प्रिंट स्पीड के बीच में स्विच होता रहेगा। अगर कुछ नहीं दबा रहा हूँ तो करंट स्पीड 0 हो जाएगा और एंड ऑफ रिजल्ट मुझे एक कोई मूवमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर यहाँ 0 होगा तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वापस मीटिंग चलते हैं और स्प्रिंट स्पीड को मैं 10 कर देता हूँ, लाइक 2 टाइम्स फास्टर देन द वॉक स्पीड। ओके अगर मैं वापस चलता हूँ, मैं अभी नॉर्मल स्पीड वॉक स्पीड चल रहा हूँ, अगर मैं स्विफ्ट दबाता हूँ तो मैं स्पीड बढ़ गई है, अगर तुम जैसे यहाँ देख सको तुम, और छोड़ देता हूँ तो धीमी हो जाएगी। तो अगर इसे चेक करने के लिए मैं डीबग मोड में जाता हूँ, तो यहाँ पर अभी ओके करंट स्पीड 0 है, मैं मूव कर पा रहा हूँ नॉर्मल डायरेक्शन पे, और करंट स्पीड 5 है, जैसे स्विफ्ट दबाता हूँ करंट स्पीड मेरी 10 हो जा रही है। ओके पर जो ये ट्रांजिशन है मेरे वॉक स्पीड से स्प्रिंट स्पीड जाने की थोड़ा सडन है, तो मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा स्मूथ हो, मतलब मैं ग्रेजुअली स्पीड बढ़ाऊँ ऐसा कुछ जैसे। ओके सो अब स्पीड को ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए जैसे या तो ट्विनिंग कर दो, इसके तुम्हें बहुत सी लाइब्रेरीज मिलती है, लीन ट्विन और डू ट्विन टाइप की लाइब्रेरीज मिल सकती है, या उससे सिंपली यूनिटी में एक फंक्शन मैथ ऑफ स्मूथ डैम करके उसको इस्तेमाल करके तुम एक ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो अपनी स्पीड में। तो उसके लिए कुछ नहीं करना होगा, लाइक अपने मैं इसी करंट स्पीड पे ही यहाँ पास एक तो वैल्यू लिखूंगा मैथ एफ डॉट स्मूथ डैम्प, और इसको कुछ पैरामीटर्स देने हैं। तो पहला होगा करंट स्पीड पास कर दूंगा मेरा टारगेट कैस पॉइंट पे, मुझे यहाँ पास करंट स्पीड को स्प्रिंट स्पीड तक ले जाना है। सो करंट स्पीड और यहाँ पास एक तो मुझे एक रेफरेंस फ्लोर बनाना पड़ेगा जो एक करंट वेलोसिटी से स्टोर करेगा, तो मैं यहाँ पर नीचे ही यहाँ पास प्राइवेट फ्लोट करेंट वेरिएबल बना लेता हूँ नाम करके एक वेरिएबल, और यहाँ पर फिर रेफ करके करेंट वेल कर लूँगा, और फिर इसके बाद मुझे इसका स्मूथ टाइम देना है, तो उसको मैं एडिटर में यहीं पर सिविलाइज फील्ड बना देता हूँ, इसमें एडिटर में इसको एडजस्ट कर पाऊँ प्राइवेट फ्लोट और इसका नाम रहते हैं मूवमेंट स्मूथ टाइम करके। ओके और इसको ले जाके यहीं पास मैं पास कर देता हूँ, तो मूवमेंट स्मूथ टाइम हो जाएगा, और इस लाइन को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ पास और सिंपली यहीं पास ये पेस्ट कर देता हूँ, और इस पर और यहाँ पास मैं वॉक स्पीड पास कर देता हूँ। सो और सेम फॉर द यहाँ पास भी, पर इसको करने से पहले मैं वो क्या करूँगा, इफ अगर करेंट स्पीड 0 से बड़ी है, मतलब 0 से अगर करंट स्पीड बड़ी है तब मुझे उसको बैक टू 0 लाना है, तो उसको सिंपली पेस्ट करके यहाँ पर स्पीड को 0 कर दूंगा मैं। सो सब कुछ वैसे ही वैसा है, अगर मैं आगे डब्ल्यू दबा के बढ़ रहा हूँ और शिफ्ट भी होल्ड कर रहा हूँ तो मैं ग्रेजुअली अपनी जो करंट स्पीड होगी या वॉक या 0 जो भी हो उसको धीरे धीरे स्प्रिंट स्पीड तरफ से मूव करूँगा, और अगर मैं शिफ्ट नहीं दबा रहा हूँ नॉर्मली मूव कर रहा हूँ तो फिर करंट स्पीड को मैं ग्रेजुअली वॉक स्पीड पर तक लाऊंगा।
अगर मैं दोनों नहीं कर रहा हूँ और तो मैं ग्रेजुअली उस स्पीड को 0 तक तो लेके आने की कोशिश करूँगा मैं। तो ये पूरा स्किल का सेंस है। तो मैं बैक टू यूनिटी चलता हूँ और यहाँ पर प्लेयर में एक मोमेंट स्मूथिंग टाइमर भी तो 1 दे देता हूँ, उसको एडजस्ट तुम अपने हिसाब से करना यहाँ पास। और अगर मैं सेव करके वापस प्ले करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीज देखने मिलेगा स्पीड में। जैसे कि मैं अभी डब्ल्यू दबाता हूँ तो मैं तुरंत मूव करने वाले थोड़ी धीरे बाद मूव करा रहा हूँ, और छोड़ देता हूँ तो ये थोड़ी देर बाद जाकर रुकता है। ऐसे अगर मैं अचानक से मूव करने को अचानक से दौड़ने की कोशिश करता हूँ तो ये थोड़ी देर बाद स्पीड को पिकअप करता है, और स्पीड छोड़ दूँ तो थोड़ी देर बाद जाके ये स्लो डाउन हो जाता है। अगर इसको सही से मैं दिखाऊँ तो मैं इसकी वॉकिंग स्पीड को लाइक 2 कर सकता हूँ और स्प्रिंट स्पीड को 10 लगने देता हूँ। तो अभी मैं लाइक बहुत आराम से मूव कर रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, और अगर मैं शिफ्ट डाल देता हूँ इधर सेम पॉइंट तो ये ग्रेजुअली मेरी स्पीड को पिकअप करके डाल दिया। सो ये एक बेसिक प्लेयर कंट्रोलर हो गया तुम्हारा। फिर तुम मूव कर पा रहे हो, लुक कर सकते हो, स्प्रिंट कर रहे हो, एयर कंट्रोल और ऑन लैंड जैसी इवेंट है। अब इसके बाद चीज़ें तुम पे हैं, तुम्हें क्या करना है इसके आगे ले जाके। तुम क्राउचिंग डाल सकते हो, प्रोन्स डाल सकते हो, या डिपेंडिंग हो तुम्हारा कौन सा गेम है और डिपेंडिंग हो कौन सा कैसे गेम मैकेनिक्स है, उसके हिसाब से उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो एट लास्ट सब कुछ तुम पे है, तुम्हें इसको कैसे इस्तेमाल करना है। सो दैट्स इट एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय।